नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है आहूजा यूनिट का मैग्नेट आउट को सही करना। इसका मैग्नेट आउट हो गया है, ये 60 वाट का यूनिट है और इसका मैग्नेट आउट को आज हम सेंटरिंग करेंगे। तो इसका मैग्नेट आउट हम दो तरीके से सेंटरिंग करेंगे। अगर आपके पास वॉइस मशीन है तो आप वॉइस मशीन से इजीली सेंटरिंग कर सकते हैं, और अगर वॉइस मशीन नहीं है तो प्लास्टिक की सीट जो हम स्पीकर कोनिंग के लिए जिससे क्वाइल को सेट करते हैं उस पट्टी से भी इसको कैसे सेंटरिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट को हम खोल लेते हैं। इसके चारों स्क्रू खोल लेने के बाद इसका मैग्नेट मैं आपको दिखलाता हूँ। मैग्नेट इसका आउट हो गया है। दोस्तों, मैग्नेट आउट कैसे होता है? ज़्यादातर मैग्नेट आउट स्पीकर या यूनिट गिरने से होता है। जब स्पीकर या यूनिट गिरता है तो ये जो एरालाइट से इसका प्लेट चिपका रहता है वो उखड़ जाता है और मैग्नेट के बीच में जा करके चिपक जाता है, और उसके बाद यूनिट बंद हो जाता है, क्वाइल इसके ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इसी मैग्नेट आउट यूनिट को सही करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट को पूरी तरीके से खोल लेते हैं। देखिए, यूनिट खोल करके हमने साइड में रख दिया है उसका ढक्कन। अब हम इस जो मैग्नेट आउट हुआ है इसका ऊपर का पोल मैग्नेट आउट हुआ है। मैग्नेट आउट दो जगह होता है, या तो नीचे का पोल आउट होता है उखड़ जाता है, या तो ऊपर का रिंग उखड़ जाता है। तो इसका ऊपर का रिंग उखड़ा हुआ है। ये देखिए, हमने इसको ड्राइवर से इसका रिंग को निकाल दिया है और इसके ऊपर जो भी कचरा है उसको हम साफ़ कर लेंगे, और इस पर जो एरालाइट जिससे इस रिंग को चिपकाया गया था उसको एक चाकू की सहायता से घस करके निकाल लेंगे। ये एरालाइट साफ़ नहीं करेंगे तो अच्छे से सेंटरिंग नहीं होगा, अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो इसको हमें अच्छी तरीके से घस करके साफ़ कर लेना है। आप एक धारदार चाकू से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यह काफ़ी टाइट होता है तो हम इसके लिए ग्राइंडर यूज़ करते हैं, बट देखिए यह आसानी से निकल गया। अब इसके रिंग के ऊपर जो है उसको भी देखते हैं, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। अंदर के पोल के साइड में जो एरालाइट गया हुआ था वो भी निकाल दिए हैं और ब्लोअर से इसको साफ़ कर दिए। अब इसके रिंग को, ये देखिए, रिंग में वन साइड थोड़ा सा एरालाइट लगा हुआ है, इसको भी निकाल देते हैं। तो रिंग और मैग्नेट दोनों साफ़ हो गया है। तो अब इसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ देते हैं। कपड़ा यहाँ पे हम हल्का सा गीला रखे हुए हैं ताकि जो भी डस्ट हो वो उसमें चिपक जाए और मैग्नेट एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। तो रिंग और मैग्नेट दोनों चिपकाने के लिए रेडी हो गया है। तो अब इसको हम चिपकाएंगे एरालाइट से। दोस्तों, मैग्नेट चिपकाने के लिए हम यहाँ पे 5 मिनट में सूखने वाला एरालाइट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी कारण से अगर हमारा मैग्नेट तुरंत नहीं चिपका तो वो आउट में ही जाम हो जाएगा और बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरालाइट ले रहे हैं। ये सूखने के लिए 4 से 6 घंटा लेता है, बट अगर इसको हम हीटिंग करते हैं तो 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाता है। तो ये स्टैंडर्ड एरालाइट को हम ब्लैक कलर से कलर कर लिए ताकि मैग्नेट के कलर का हो जाए। अभी एरालाइट को कलर कैसे करते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको कलर एरालाइट कैसे बनाना है अगर जानकारी लेना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। और ये देखिए, रिंग के ऊपर जो स्क्रू टाइट करने वाला जो होल होता है उसको हम वाइट मास्किंग टेप से भर दे रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर हम एरालाइट चला जाएगा तो बाद में वो जगह भर जाएगा और वहाँ स्क्रू नहीं लगेगा। अब रिंग में भी चारों साइड हल्के हल्के एरालाइट लगा दे रहे हैं। एरालाइट यहाँ लगाते टाइम सावधानी बरतना है कि जो पोल होता है सेंटरिंग का पोल अंदर की साइड, वहाँ एरालाइट नहीं लगाना है, ना ही मैग्नेट पे लगाना है और ना ही रिंग पे लगाना है, क्योंकि अगर हम रिंग या मैग्नेट पे पूरा एरालाइट लगा देंगे और एरालाइट जब मैग्नेट के साथ चिपकेगा तो एरालाइट जो है रिंग और मैग्नेट के बीच में से बह करके अंदर चला जाएगा और जाम कर देगा। लेकिन अगर अंदर का सरफेस हम खाली रखते हैं तो एरालाइट कितना भी अंदर जाएगा तो मैग्नेट और रिंग के अंदर ही रहेगा। स्पीकर के क्वाइल को जाम करने के लिए जो 7 नंबर का प्लास्टिक सीट हम लेते हैं उसको 1 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा हम कुछ सीट्स काट लिए हैं, और अब मैग्नेट के अंदर 4-4 टुकड़े जाम करके उसके बीच में से रिंग को डाल करके मैग्नेट को बिठा देंगे। देखिए, मैग्नेट एकदम आसानी से सेंटरिंग हो गया। अब चूंकि 4-4 सीट हमने 7 नंबर के डाले थे तो तीनों साइड से 4-4 नंबर के ही सीट बैठा हुआ है, तो लगभग लगभग चारों साइड सरफेस में उसका गैप बराबर रहेगा। तो देख लीजिए, इसका सेंटरिंग हो गया है, चारों साइड से बराबर दिख रहा है। दोस्तों, यह चूंकि मैग्नेट छोटा है तो आसानी से प्लास्टिक सीट से सेंटरिंग हो गया, लेकिन अगर मैग्नेट बड़ा होगा तो उसको सेंटरिंग करने के लिए इस टाइप की वॉइस मशीन की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि वॉइस मशीन से मैग्नेट को कैसे सेंटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉइस मशीन का मुँह खोल लेंगे और उसके नीचे एक
किसी भी चीज़ को रख देंगे। ये तीन प्लास्टिक सीट में जो हम लगाए थे तीन कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे निकाल दिए हैं हम, तो वो उस साइड से मैग्नेट चिपक गया है। तो अब वहाँ पे हम मैग्नेट को रख देंगे वाइस के बीच में, मैग्नेट वन साइड टच होगा और अदर साइड में जो पोल है उसको टच करते हुए एक नट डाल देंगे। तो जब उसके बाद वाइस हम टाइट करेंगे तो देखिए उधर से नट प्रेशर देगा और रिंग खिसक करके इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर से मैग्नेट का प्रेशर है और उधर से वाइस का जो दूसरा पोल है वो रिंग को प्रेशर दे रहा है। तो बराबर से एक साइड से रिंग प्रेशर होगा, दूसरे साइड से मैग्नेट प्रेशर होगा और आकर के गैप हो जाएगा, तो वहाँ पर हम प्लास्टिक सीट डाल देंगे। तो देखा आपने मैग्नेट का सेंटरिंग करने का दो तरीका आज हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीक़ों से आप मैग्नेट को आसानी से सेंटरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, एवं सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों चिपका करके लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, तो एयरलाइट सूख गया है, तो हम प्लास्टिक सीट निकाल देते हैं। दोस्तों यह मैग्नेट आउट अब एकदम ठीक हो गया है, आप नज़दीक से देखिए चारों साइड सेंटरिंग बराबर हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो देख करके आपको मैग्नेट सेंटरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।